अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फाखरा परवीन और सब देखने वालों को एमके डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वेलकम करती हूँ। आज हम आपके सामने एक ऐसी किताब का जिक्र करने वाले हैं, बल्कि एक ऐसी काविश के बारे में बताने वाले हैं जिसको पढ़ने के बाद मुझे ये फील हुआ कि इससे ना सिर्फ कोई एक खास तबका फायदा उठा सकता है, बल्कि जितना फायदा स्टूडेंट उठा सकते हैं उतना ही फायदा जो है वो कॉरपोरेट के लोग भी उठा सकते हैं। इस किताब की जो सबसे अनोखी बात है वो ये है कि इसमें लोगों के रियल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किए गए हैं, और इस किताब को लिखने वाली जो एक मुअज्जिज़ पर्सनैलिटी है उनका नाम है वकमिया वकारुल इस्लाम, और उनकी वेबसाइट से जो है वो मैंने इस किताब को जो है वो फाइंड आउट किया था और मैंने इसको पढ़ा, और उसको पढ़ने के बाद मुझे अपने आप में ये इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं मियां वकारुल इस्लाम से मिलूं और उनसे ये पूछूं कि आखिर बेस्ट लाइफ नोट्स की स्टोरी क्या है। बुक का नाम है जी बेस्ट लाइफ नोट्स। तो आइए बात करते हैं मियां वकारुल इस्लाम से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने अपने कीमती वक्त से जो है वो एमके डिजिटल मीडिया के लिए वक्त निकाला और आप हमारे नाज़रीन के लिए जो है वो एक ऐसी किताब के बारे में बताने के लिए आए हैं जो ना सिर्फ कुछ लोगों के लिए बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो एक बेहतरीन किताब जो है वो बनने वाली है, और जिन लोगों ने उसको पढ़ा है उनको भी जो है वो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म से जो है उन लोगों तक इस किताब का जो है वो पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि बेस्ट लाइफ नोट्स की स्टोरी क्या है और ये आइडिया आपको किस तरह से आया? जी फखरा, सबसे पहले तो आपका थैंक्स, आपकी आपने जो इसको पढ़ा है अप्रिशिएट किया। सोशल मीडिया पे मुझे आपके टिप्स मिले हैं, मैंने रिव्यूज भी पढ़े हैं उसके ऊपर, तो माशाल्लाह आपकी अच्छी एफर्ट है और वो बाकी मेंबर्स तक भी पहुंच रही है। तो आपने जो बेस्ट लाइफ नोट्स के साथ एक सफर स्टार्ट किया है तो वो इंशाल्लाह आप आगे पढ़ती जाएंगी तो आपका अपना एक अंदाज है उसको ब्रीफ करने का, और लोगों का जो इंटरेस्ट है वो मज़ामीन की हद तक तो होता है लेकिन इम्पैक्ट जो उसका क्रिएट होता है जब उसको आप ऑडियो वीडियो में देते हैं तो उसके उस इम्पैक्ट को कंपेयर नहीं किया जा सकता। कि टेक्स्ट में लोगों का इंटरेस्ट उस तरह से नहीं होता जितना, और ना ही इतना वो उसको परसीव कर पाते हैं जितना आप उसको वीडियो में देते हैं। जी बिल्कुल। तो आप भी कर रही हैं एफर्ट, कुछ लोग और भी कर रहे हैं, मैंने खुद भी ऑडियो में जो भेजे थे इसको तो ऑडियो पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं बनाए थे, तो 8-10 क्लिप्स को मैंने ऑडियो में करके भेजा तो वो वायरल हो गए। वो इसलिए वायरल नहीं हुए कि जो अच्छे थे, वो इसलिए वायरल हुए कि वो ऑडियो में थे, लोगों को उसको सुनने में आसानी कि आपने मोबाइल में भेजा, लोगों ने पढ़ने में आपके पास क्लिप्स आते हैं ना तो लोग क्या करेंगे कि अगर आपके पास आए हैं जी 5 मजामीन आए हैं तो लोगों के पास टाइम नहीं होता पढ़ने के लिए, तो पहली 4 लाइनों में जिसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है वो तो पढ़ लेता है, और जिसका नहीं होता वो फिर पूरे मजमून को पढ़ता नहीं है। और ऑडियो में हो तो लोगों को आसानी हो जाती है जी, 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 और वीडियो में और ज्यादा आसानी हो जाती है जी, कि लोग उसको उसके एक्सप्रेशन को भी उतना से सारा वो फील कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। तो ऑडियो पे मैंने कुछ टीवी रेडियो चैनल्स हैं, वेब पे भी कुछ टीवी चैनल्स हैं तो मैंने ऑडियो क्लिप्स भेजे, तो जो लोग होस्ट करते हैं तो वो ऑडियो मेरी प्ले करते थे दरमियान में। तो एक तो यानी इस ये मेरा पहला एक्सपीरियंस स्टार्ट मेरा उस वक्त बुक कंपाइल हो रही थी, जो बुक कंप्लीट नहीं हुई। तो अब मैं स्टोरी की तरफ आता हूँ। ये अभी आप जो करंट एक्टिविटी कर रही हैं तो उस हवाले से मैंने थोड़े से हवाले दिए, इस तरह की एक्सरसाइज हो रही है और आप उसको वीडियो में जिस तरह से अपने प्लेटफॉर्म पे ला रही हैं तो ये और उसका स्ट्रॉन्ग इमेज जाएगा। तो अब इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा तवील भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मुख्तर भी नहीं है। तो अब ये था कि हम लोग यानी एक लर्निंग प्रोसेस से तो गुजर रहे होते हैं, ठीक है, बच्चों से भी अगर आप पूछें तो उनके भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, बड़ों के भी होते हैं, बुजुर्गों के भी होते हैं, और हम जो अपने जानने वाले हैं उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं, स्पेशली जिन लोगों के साथ आपका लगाव होता है। यानी अगर किसी टीचर को आप पसंद करते हैं तो आप उसकी पर्सनल चीज़ें, उसका उसका लाइफ एक्सपीरियंस आप जानना चाहते हैं, इंस्पायर होते हैं ना, तो जब इंस्पायर होते हैं तो आप फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो लाइफ हर डे की इंस्पायरेशन होती है, यानी पूरा दिन अगर आपका बोरिंग भी गया है तो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल आती हैं जिनकी इंस्पायरेशन आपके साथ साथ चलती रहती है, और यही है जिंदगी, इसी तरह से है कि हर दिन जो अगला दिन आता है वो पहले से बेहतर होकर आता है, लेकिन हर बंदा उस तरह से कैलकुलेट नहीं करता। यानी आपके सामने लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना, लेकिन हर बंदा एक्सपीरियंस से लर्न भी नहीं करता।
ठीक है, तो ये शख्सियत होती है कि जो एक मेच्योर पर्सनैलिटी है तो वो उसको कैलकुलेट करती है, उस लर्निंग को कैलकुलेट करती है और अडॉप्ट करती है और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आती है। और फिर कुछ लोग इतने पावरफुल होते हैं कि ना सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आते हैं बल्कि वो उनके एक्सपीरियंस से उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चेंज होती है। तो बेसिकली पर्पज तो यही है कि आप सीखें और उसका इम्पैक्ट क्रिएट करें, जितना भी आपके पास नॉलेज है अगर उसका इम्पैक्ट लोगों तक क्रिएट नहीं होता तो उसका फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो अगर अपनी अपनी कैपेसिटी में आप क्या करते हैं, अपनी कैपेसिटी में आप अपने सर्कल के लोगों तक अपना मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन जब उसको आप किताबी शक्ल में लेके आते हैं, जब उसको आप वीडियो की शक्ल में लेके आते हैं, ऑडियो की शक्ल में लेके आते हैं, तो फिर आपकी ऑडियंस बढ़ जाती है, उसको पढ़ने वाले लोग बढ़ जाते हैं। तो हम इसकी स्टोरी की तरफ आते हैं। तो लेक्चर्स हम लोग जो है ना सोशल सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो मैं ऑलरेडी लेक्चर्स तो काफ़ी सालों से दे रहा हूँ, एजाजी लेक्चर्स भी होते हैं, पेड भी होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग में भी होते हैं, और बहुत सारे प्रिंसिपल्स को भी हमने दिए हैं, जजेस को दिए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में दिए हैं। तो वो एक हिस्ट्री है मेरी डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर लेक्चर के लिए। अच्छा, अब कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों की जो क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वो ग्रूम्ड होते हैं, तो वो उनकी जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट उसकी उतनी इंटेंसिटी नहीं होती जितनी बच्चों की होती है। बच्चों के जहन में बड़ी तेज़ी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो और बच्चे अगर शाइनिंग हो तो वो आपको इंटायरली एक एक डिफरेंट कैनवस दे देते हैं प्ले करने के लिए। ठीक है ना, एक तो होते हैं कि जी आपके पैसिव लर्नर्स हैं, जी आप बता रहे हैं उनको और वापस उनका कोई रिस्पांस नहीं आता, और एक है कि एक क्लास को आप लेक्चर दे रहे हैं और वो क्लास एक्टिव है और बहुत सारे क्वेश्चन करती है, तो वो आपका नजरिया ही चेंज कर देती है। यानी एक आम सी चीज़ को खास में तब्दील होते हुए कोई देर नहीं। तो एक अल हिजरा के नाम से एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो दी प्रोफेशनल के प्लेटफॉर्म पे हमने उनके बच्चों के लिए एक अरेंजमेंट की थी। तो ये क्वेटा पिशावर इस साइड के बच्चे थे, तो इन बच्चों को यहाँ पे ठहराया गया बिहाड़ी में, और ये सारे साइंस के स्टूडेंट्स थे, FSC BSc इसके स्टूडेंट्स थे। और उनका प्लेटफॉर्म इस तरह से है कि वो फॉरन फंडिंग है उनके पास, और वो अपने एरिए के बेस्ट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर मैट्रिक से ऑनवर्ड ग्रेजुएशन तक सारे एक्सपेंसेस वो खुद बियर करते हैं। ठीक है, यानी इवन उनके कपड़े, उनकी किताबें, उनका रहना, खाना पीना, वो सब उन फाउंडेशन की तरफ से होता है। तो वो ऑलरेडी यानी उनके पास क्रीम है, फिर उस क्रीम के ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, और फिर हमें अपॉर्चुनिटी मिली उनको होस्ट करने। ठीक, तो जब अब मेरे वहाँ पे एजाजी लेक्चर्स थे, टीचर्स के लिए भी थे और स्टूडेंट्स के लिए भी, मैं यानी रेगुलर वहाँ पे नहीं था। तो एजाजी लेक्चर दोस्त हैं वहाँ पे, राव इस्माइल साहब, तो वो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है तो एजाजी लेक्चर मेरे ऐड करवा देते हैं कि जी जिनको भी सुने। तो मैं वहाँ पे गया तो यानी पहली दफ़ा मैं पढ़ने गया, यानी अदरवाइज तो आप क्या करते हैं, आप लेक्चर देने जाते हैं तो आप पढ़ा के आते हैं, ये मेरा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैं वहाँ पे जितना पढ़ के आया हूँ शायद मैंने कभी लेक्चर्स देते हुए इतना नहीं पढ़ा, या लेते हुए भी शायद इतना नहीं पढ़ा होगा जो मेरी लर्निंग उन्होंने डेवलप कर दी। तो एक्सट्रीमली शाइन स्टूडेंट। तो उन बच्चों ने एक तो क्वेश्चन, यानी उस क्लास में अगर आप देखें ना तो आपको हार्डली 2-3 लोग एक्टिव मिलते हैं जो आपसे क्वेश्चन करते हैं, अदरवाइज सारी क्लास वही होती है। अब आप इमेजिन करें कि आपके सामने एक ऐसी क्लास है जिसके जिसके शायद ही कोई 2-3 बच्चे सोए हों और बाकी सारी एक्टिव हो। ओके, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सामने जो स्पीकर है जो बोल रहे हैं तो उसके लिए कितना इंटरेस्टिंग भी होता है। तो उन्होंने एक एक चीज के क्वेश्चन, यानी आप यानी एक क्वेश्चन की बजाय अगर 50-50 क्वेश्चन आ रहे हैं और फिर आप उनको सेटिस्फाई करने के लिए आपको एफर्ट लगानी पड़ती है, पूरा एंड तक एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो मुझे उनके लिए खुद भी एफर्ट करनी पड़ी, जब आप खुद आपके सामने टैलेंटेड बच्चे हों तो आपको मेहनत करके जाना पड़ता है, और इस चीज के अगर वो आपसे पूछेंगे तो आप तैयार होके जाएंगे, उनके लिए किसी हद तक तैयार भी होना पड़ा। तो अब उनकी ट्रेनिंग चलती रही, तो कभी ऐसा नहीं होता कि जो एजाजी लेक्चर्स के आपसे नोट मांग लिए जाएं, लेकिन एक वो लेक्चर्स होते हैं जो आपको उनके कोर्स के हवाले से दे रहे हैं। ठीक है, जैसे बायो पे कोई लेक्चर है तो उसके ऊपर तो जाहिर है स्टूडेंट्स ने मांगना है ना कि आप इसका कोई मैनुअल दे दें, इसकी कोई आप गाइड दे दें, कोई इसकी आप बुक दे दें, कोई आप इसके नोट्स दे दें। लेकिन एजाजी लेक्चर्स में बड़ा कम होता है कि किसी ने आपसे मांगे हों और इतने सीरियसली मांगे। तो ये तकरीबन 2-3 माह मुझे कहते रहे कि सर आप जो लेक्चर में आप हवाले देते हैं, जो रेफरेंस देते हैं, तो ये हमें किताबी शक्ल में चाहिए, रिटन में चाहिए। तो मैंने उसको सीरियसली लिया, मैंने यानी उनके क्वेश्चन को सीरियसली भी लिया। तो उनका यानी सेशन खत्म हो गया, यहाँ से ट्रेनिंग करके चले गए, लेकिन उन्होंने मेरी जान नहीं छोड़ी।
ठीक है, उन्होंने एंड तक यानी एक साथ लगे रहे कि सर अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, यानी हमारा उनके साथ प्रोजेक्ट भी क्लोज हो गया, लेकिन उन्होंने फॉलो किया मुझे, उन्होंने कहा जी हमें यानी कि बेस्ट लाइफ नोट्स की जो मोटिवेशन है वो आपको वहां से मिली कि आप इसको कंपाइल करें और एक बुक की सूरत से। मेरे मेरे जहन में दूर दूर तक कभी नहीं था कि मैं इसको डॉक्यूमेंट भी करूंगा। सर वो बस वो एक्सपीरियंस तो वजह सबके बन गई हो रहे होती होते हैं ना, है ना, तो क्रिएटिविटी से वसीला आना होता वो है। वजह बन गई, वो वजह बन गई। तो अब मैंने फिर जाहिर है वो एक लेवल आता है कि आपका शर्मिंदगी की इंतहा हो जाती है कि जी इतनी दफा बिल्कुल कहने के बाद भी आप उनको नहीं कर रहे, यानी तो उस कैफियत के अंदर मैंने उसको लिखना शुरू किया कि चले अगर हाँ मांग रहे हैं तो कितनी एफर्ट होगी, को 5 मिनट यानी 20-25 मजमून ही होंगे ना, तो कोई मसला नहीं है, चले लिखना शुरू करते हैं। तो जी उसको मेरे जहन में ये था कि 30-35 पेजेस में मेरी बात खत्म हो जाएगी, ठीक सही है। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो वो तकरीबन कोई 100+ पेजेस ना, 120 के करीब एक किताबी शक्ल बन गई, ठीक। ग्रेट ग्रेट सही वो किताबी शक्ल में ही फिर मैंने उनको भी कॉपीज भेजी, बच्चों को भी और उनके स्टूडेंट्स को भी, उनके टीचर्स को भी। तो स्टूडेंट्स ने तो अप्रिशिएट किया हुआ था ऑलरेडी, उनको उसकी यानी अंदाजा था अपने लिए जो भी हमने लिखा था, लेकिन उनके टीचर्स के पास जब भी किताबी शक्ल में गई तो उन्होंने उसको उससे ज्यादा अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा जी आप इस काम को आप ये यानी इसमें तो मैं भी इनपुट दे सकता हूँ। तो टीचर्स ने यानी देखें एक आपके यानी यहाँ से, 50 यानी कि टीचर्स आपके बैठ रहे साथ हैं जो है ग्रेन कर रहे हैं वो और एकदम लोग से जुड़ना आप शुरू इनपुट, हो गया बेस्ट लाइफ में। तो वो अब देखिए मैं उनका रेगुलर टीचर नहीं था, मैं उनका एक ऑनरेरी टीचर था, तो एक ऑनरेरी टीचर प्लेस बना रहा है तो परमानेंट टीचर्स के लिए ये चीज उनको एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि हमें भी करना चाहिए, जी ठीक है। तो सही उन्होंने फिर उन्होंने कहा जी ठीक है आप करें, बल्कि मैंने भी अगर अगर आपने भी लेक्चर्स दिए, मैंने तो कम दिए, आपने ज्यादा लेक्चर्स दिए हैं, तो आपके पास भी जो चीजें हैं यानी स्टूडेंट को अपने एक्सपीरियंस से कोई अच्छी चीजें हैं तो आप वो मुझे भेजें, ठीक है। तो उसमें फिर हमने इसका थोड़ा सा स्केल बढ़ा दिया, यानी फिर मैं मेरे पास तो मेरे जो नोट्स थे उनमें क्या था कि मेरे किसी सीनियर, मेरे किसी टीचर, ठीक है, फैमिली में किसी बड़े ने या कोलीग्स में किसी ने मुझसे कोई बात की, कहीं कोई गाइड किया तो मैंने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया, तो ये तो मेरा अपना एक सर्कल था। तो जब इसको मैं ओपन करता हूँ तो फिर इसकी इसका स्केल बढ़ गया, फिर आपने कोई यानी हमने जो एक शेयर किया मैंने पैकेज, तो उसमें मैंने ये कहा कि जिन टीचर्स के पास उनके अपने जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, किसी अच्छी किताब से कोई हवाले हैं, किसी अच्छे टीचर के या स्टूडेंट्स के या अपने रिश्तेदारों के या अपने पेरेंट्स के, तो वो मुझे आप उसकी कॉपी भेजें व्हाट्सएप पे डिजिटल टेक्स्ट के अंदर। तो सही मेरे पास वो टेक्स्ट में कॉपीज आना शुरू हो गई, उसके बाद मेरी एफर्ट नहीं थी, तो तकरीबन ये तक 1.5 साल 1.5 साल लग गया इसको मैंने चले दिया, तो कॉपीज मेरे पास आती रही और कंपाइल होती रही, उनको सोशल मीडिया पे हम शेयर भी करते रहे, स्टूडेंट्स के पास भी जाती रहे। तो ये तकरीबन कोई 150-200 लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, और एक ये पहला जो इसका वॉल्यूम था वो 1000 पेजेस पे फिर इसको मैंने क्लोज कर दिया, लेकिन मेरे पास फ्लो था, आ रहे थे, लेकिन मेरे पास कैपेसिटी उसको संभालने की नहीं थी, वो मैंने एक टारगेट रखा था कि 1000 के आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो ग्रेट 1000 के बाद बस। तो सही क्योंकि जिसके पास जाती थी वो मजीद मेरे पास, यानी अब भी मुझे लोग कह के मियाँ साहब इसको उसमें शामिल करें, उनको पता नहीं है 4 साल पहले ये बंद हो गया, लेकिन अभी भी मुझे भेजते हैं कि इसको भी शामिल करें, इसको भी शामिल अच्छा करें, सर। तो लेकिन ये उसकी जी, सर तो पूछिए। ये बेस्ट लाइफ नोट्स की ये तो एक स्टोरी होगी कि कहाँ से बेस्ट लाइफ नोट्स का आपने आगाज किया और ये किस तरह की आपने इसको कंपाइल किया इसके पहले वॉल्यूम को। तो अभी आप बेस्ट लाइफ नोट्स के बारे में मजीद आगे इसका क्या फ्यूचर हम देख रहे हैं? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि पहला जो पार्ट था ना, पहले पार्ट में मेरा एक्सपीरियंस था और मेरे साथ जुड़े हुए लोगों का एक्सपीरियंस था, इनमें मेरे आर्टिकल्स अपने लिखे हुए नहीं थे, ठीक है, यानी एक एक होता है ना कि आपका किसी के साथ एक्सपीरियंस था, आपने एक्सपीरियंस लिख दिया, तो ठीक है एक्सपीरियंस लिखना इंटायरली एक अलग चीज है और खुद से एक चीज को तख्लीक करना वो एक अलग चीज है, ठीक ठीक है। है जैसे अभी आपने एक रिकॉर्डिंग लास्ट जो मुझे भेजी थी, कोई वली था, अब कोई वली था ये मैंने किसी से सुना नहीं है, ये मेरी अपनी क्रिएशन है, यानी जो जैसे कोरोना आया और जिस तरह से लोगों ने एक मुश्किल हालात से लोग निकले हैं, तो आप ये मेरा बड़ा फेवरेट मजमून है आपका। जी ये मेरा बड़ा फेवरेट मजमून है और इसको जब मैंने किया तो मैंने अपने बकायदा अपने पेज को लगाया तो उसमें मुझे काफी जो है अच्छे व्यूज आए। और व्यू से हटके भी जब मैंने उसको पढ़ा तो वाकई एक रूहानी एक फीलिंग आती है और लगता है कि वाकई प्रैक्टिकल कोई चीज हुई है तो उसका आप पे एक असर होता है। जी
अच्छा, इसमें यानी एक तो मेरे पास हो गया ना, यानी कंपाइल करना तो इशू नहीं था, मैं वो आ गए। तो दरमियान में मैंने, जब आपके पास इंस्पायरेशंस आ रही होती है ना, तो फिर आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस भी एक शुरू हो जाता है, खुद से सोचने का, खुद से लिखने का। तो फिर मैंने खुद से लिखना शुरू किया, छोटे छोटे मजामीन, यानी एक एक पैरे के दौरों इस तरह से लिखना शुरू किया, बाकायदा आर्टिकल्स की शक्ल में नहीं था। तो और जैसे ही ये बुक कंप्लीट हो गई, तो फिर इस सफर को मैंने क्लोज कर दिया ना, कि लोगों की स्टोरीज को कंपाइल करना मैंने क्लोज कर दिया, वो पहला पार्ट था। ओके ओके दूसरा ज्यादा नहीं, लेकिन उसको भी इंकरेज किया गया, कि उसकी रीजन शायद ये हो सकती है कि जो लोगों से सीखा वो बहुत था, कि लोगों के मजामीन से जो सीखने को मिला वो बहुत था। तो उसकी बेस की वजह से, यानी एक मुझे इंस्पायरेशन भी मिली, मोटिवेशन भी मिली, थोड़ी सी स्किल डेवलपमेंट भी हुई, तो और लफाजी लिखने में रवानी, ये उसकी वजह बनी। ठीक है। जो पहले सीखा था उसको फिर मेरे लिए आसान हो गया अपनी तरफ से लिखना। अच्छा, उसमें थोड़ा सा जो मेरा था ना, जो क्योंकि मेरा थोड़ा सा शायरी से भी था लगाव, थोड़ा सा अदबी लोगों से भी उठना बैठना था, तो मैं बुक्स के फ्लैप वगैरह पहले भी लिखता था, इससे पहले भी मजामीन ही लिखता था, लेकिन बुक्स के ऊपर तबसरे, रिव्यू, इस तरह की चीजें में वो एफर्ट करता था। ठीक लेकिन है, अब ये बकायदा एफर्ट हो गई मजामीन के शक्ल के अंदर। तो सही। उसमें जो मजामीन में मेरी ना शायरी के हवाले से, तो मेरी उस्ताद थी डॉक्टर शहनाज मुजम्मिल, तो डॉक्टर सुल्तान के साथ हमारे बड़े सेशन होते थे, करंट अफेयर्स के हवाले से, तो अच्छा। गवादर के हवाले से भी, यानी हमारे पास जो डिस्कशन का पॉइंट होता था वो गवादर ही होता था, गवादर होता था, चीन होता था, गवर्नमेंट इश्यूज होते थे, तो ये चीजें डिस्कस होती रहती। तो डॉक्टर सुल्तान की भी मैंने एक बुक कंपाइल की, उनके भी मैंने मजामीन वगैरह शामिल किए बेस्ट लाइफ नोट्स में, और फिक्र सुल्तान के नाम से उनकी उनकी भी एक सीरीज थी मजामीन। तो बेसिकली इंस्पायरेशन मुझे उनके लिखने से मिली, कि जिस तरह इनके फिक्री मजामीन आते हैं, तो मैं भी कोई फिक्री टाइप की कोई चीज लिखना शुरू करूँ। सही सही। तो सर तो अभी काफी जी, तो सर सीखने को भी मेरे मिला और माइंड मैंने में कुछ जो प्रोत्साहन। है ना, वो क्वेश्चन जो है ना, वो काफी देर से आ रहा है। जब मैंने इसका पहली दफा नाम देखा ना, बेस्ट लाइफ नोट्स, तो इसका नाम मुझे बड़ा यूनिक लगा ना। तो ये आइडिया आपको, इस नाम का आइडिया आपके पास से आया कि आपको इसका यही नाम रखना चाहिए? कुछ और भी तो हो सकता था। देखिए, लाइफ लाइफ नोट्स के हवाले से ना, यानी ये नाम मेरे जहन में बहुत पहले से था, बहुत पहले से था। अच्छा अगर 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 कभी लिखा ना, तो यानी मैं नोट्स नोट्स वैसे ही मैं लाइफ नोट्स पढ़ता था, यानी अपने से पहले नाम मेरे जहन में इस तरह से रह गया। और ये भी लोग पूछते हैं कि जी उर्दू की किताब है पूरी, तो आपने इंग्लिश वाला नाम क्यों रखा है? ठीक है। मैं उर्दू का अच्छा रीडर कभी भी नहीं था, मैंने उर्दू की किताबें बहुत कम पढ़ी हैं, अच्छा शायद 2-5% के लिए मैंने उर्दू की किताबें पढ़ी होंगी। मेरे पास अपनी जो लाइब्रेरी थी ग्रेजुएशन और मास्टर्स में जब था, तो मेरे पास अपनी इंग्लिश राइटर्स की लाइब्रेरी थी, मेरी अच्छा अपनी कोई 300 बुक्स की कलेक्शन इसकी थी। तो ग्रेट। मेरा यानी ये नहीं था कि मैंने कंप्लीट बुक पढ़ी होगी। आप इंस्पायरेशन लेते हैं, बुक का एक थीम सही, ये निकालते हैं, सर और ये थीम कोई आप समंदर चार है जो पेजेस से आपने बेस्ट निकालते लाइफ हैं। नोट्स में उंडेल दिया इस नॉलेज का। तो मेरा जो है वो डॉन जो है ना, पीटर एफ रटर है, एडवर्ड डी बोनो है, तो ये उनके स्कॉलर्स हैं, यानी स्पिरिचुअल कह लें, ठीक है, इस्लामी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल यह कि वो मोटिवेशनल और इस तरह के स्पीकर्स हैं, और दुनिया में रिनाउंड है, उनके नाम पे यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, उनके नाम पे PhDs होती हैं, ठीक है, पीटर एफ रटर के ऊपर बड़ी, और ये फेवरेट है सारे बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स का। तो और काफी किताबें, यानी एंड ऑफ इकोनॉमिक मैन उसने किताबें लिखी, तो वो दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स थी। तो इंस्पायरेशन तो मेरी इंग्लिश किताबों से थी, और सारा ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में हमने इंग्लिश ही पढ़ा, तो उर्दू लिटरेचर को तो दूर दूर तक कहीं स्पेस ही नहीं मिली ना। सही। तो अब मेरा ये था कि यानी मैं कहीं पे मीटिंग्स में भी, इवन जब मैं प्रोफेशन में भी आ गया, तो मेरा लाइफ स्टाइल ये था कि मेरे पास हर महीने, हर दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते कोई ना कोई नई किताब जरूर होती, ठीक है। ठीक है। जब ये यूरोपियन स्टेब्लिश हुए, EU बनी, तो उन उनके अफेयर्स के ऊपर था, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर था। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन ये है कि मुझे मजा आता था डिस्कशन करते हुए, हवाले देने का, ठीक है जी, फलां ऑथर ने ये कहा है, तो फलां ने ये कहा है, तो फलां ने ये कहा है, तो ये और काफी ज्यादा इसके अंदर मैं था, मुझे मजा आता था हवाले देते हुए। तो मैंने कभी कोई इस्लामी हवाले नहीं दिए उस तरह का, क्योंकि पढ़ी नहीं थी किताबें। जी तो एक मेरी मीटिंग हुई, एक PhD डॉक्टर्स थे, अमेरिका से आए हुए थे, नाम मेरे जहन में उनका नहीं है। उन जब मैंने बहुत ज्यादा मैनेजमेंट की बुक्स को पढ़ लिया ना, तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन रहता था कि ये बिब्लिकल नॉलेज है, ये इस्लामिक नहीं है।
ठीक है, इस्लाम बकायदा आपने पढ़ा ना हो, लेकिन घर से अपने टीचर से या अपने जो करिकुलम की बुक्स होती हैं उनके अंदर से, तो आपकी एक फाउंडेशन तो इस्लामिक बनी होती है ना, तो उस बिल्कुल फाउंडेशन को हम एक तरफ से देखते हैं सूद हराम है, ठीक है, ये स्पीड बनी ऊपर नीचे ये हराम है, तो बेसिक्स तो हमें पता होती है, इंटरेस्ट हराम है, तो ये बड़ा क्लियर हमें पता होता है। तो ऐसे जब आप ज्यादा डीप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये टकराव है, तो वो टकराव जब आप ज्यादा पढ़ लेते हैं तो शिद्दत इख्तियार कर जाता है, तो वो शिद्दत तो इख्तियार किए हुए था। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि सर ये तो हमें बिब्लिकल नॉलेज देते हैं सारा ना, तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो कहते हैं और क्या तुम्हें कुरान पढ़ाएंगे, ठीक है, अच्छा उनकी बुक बिब्लिकल पढ़ाएंगे ना, वो कुरान तो नहीं पढ़ाएंगे। तो हाँ उसके बाद से मैंने कोई बुक नहीं खरीदी, हाँ अच्छा यानी आखिरी सही दिन था उसके बाद मैंने इस बुक नहीं खरीदी। उसके बाद फिर मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया। मैं रूटीन में तो नहीं पढ़ता था, लेकिन जब मैं एतकाफ में बैठता था तो मेरा टारगेट यही होता था कि जी एक दो दफा इसकी ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे। ठीक है अच्छा, जब मैंने मैंने इसमें बेस्ट लाइफ नोट्स के अंदर वो लिखा हुआ भी है कि जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था वो मेरा, यानी वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, ठीक है यानी इस्लाम को पढ़ने और उसको सीखने के हवाले से। तो मैं अक्सर बात होती है तो मैं कहता हूँ कि मैं अपने आप को मुसलमान उस दिन से समझता हूँ जिस दिन मैंने कुरान पढ़ा था, क्योंकि सही उसने मेरा जिंदगी का सोचने का नजरिया ही चेंज कर दिया। ठीक है, उससे पहले पिछले 25-27 साल में मैंने क्या किया था, इस्लाम को उस तरह से मैंने देखा ही नहीं था, जो जो कुरान को पढ़ने के बाद। तो उसमें मैंने एक जिक्र किया हुआ है, तो उसमें था कि जब मैंने कुरान का पहली दफा तर्जमा पढ़ लिया ना मुकम्मल, तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया कि मेरे ऊपर वो रोने वाली कैफियत तो नहीं बनी जो हम सहाबा के बारे में सुनते थे कि वो पढ़ते थे और रोते चले जाते थे। तो मैंने कहा मेरे शायद समझने में कोई मसला है कि मेरी ऐसी कैफियत क्यों नहीं बनी। तो सिर्फ इस एक सवाल की वजह से मैंने कुरान को दोबारा पढ़ना शुरू किया। तो अब मेरा पर्पज कुरान से कुछ नया सीखने का नहीं था, मेरा पर्पज ये था कि वो रोना कब आता है। रोना का बात सही ठीक क्या बात तो वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया कुरान को, तो उसमें एक दूसरे सिपारे में एक आयत आई, तो उस आयत ने जोड़ के रख दिया मुझे। ठीक है, वो थी कि वो शख्स जो ये चाहता है कि जो उसने किया है और जो उसने नहीं किया उसके बारे में हरगिज मत सोचना कि उससे अजाब हल्का किया जाएगा। बहुत अच्छा, अब तारीफ का लफ्ज जो है एक बिजनेस ग्रेजुएट के लिए बड़ा कॉमन सा लफ्ज है, क्योंकि हम जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसकी एक हाई एप्रिसिएशन क्रिएट की जाए, कि लोग एप्रिशिएट करेंगे तो लोग उसको खरीदेंगे या उसमें इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल सही यानी आपने अपनी तारीफ भी करवानी है, अपनी कंपनी की तारीफ भी करवानी है, अपने बॉस की भी तारीफ करनी है, अपने जूनियर्स की भी तारीफ करनी है, क्योंकि आपने उनसे काम लेना है। ठीक है, अच्छा, और इसी तरह से आपने जो है ये सारी चीजें, तो यानी एक बिजनेस ग्रेजुएट के लिए शायद अगर मैं बिजनेस ग्रेजुएट ना होता तो ये आयत शायद मुझे उतना स्ट्राइक ना करती जिस तरह बिजनेस ग्रेजुएट होने की वजह से उसमें स्ट्राइक किया। तो अब मैं ये सोच रहा था कि ये सारी तालीम ने मुझे क्या दिया है कि मैं तारीफ करना और तारीफ करवाना सीख रहा हूँ, और इस्लाम में तो सीधी सीधा कह दिया है कि ये तारीफ करवाना हराम है, और उसका हम उसका भी जो आपने किया है तो इसका हम तो उसका भी तारीफ करवाते हैं जो हमने नहीं की। तो मेरे लिए इसने ना मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। तो पूरे तकरीबन 40-45 मिनट इसी एक आयत को मैं आगे पीछे करके सुनता रहा, यानी फिर पीछे किया फिर सुना और फिर पीछे किया फिर सुना, तो 40-45 मिनट में इस आयत से बाहर नहीं निकल सकता। यानी अब कि मेरे जहन में बहुत सारे हवाले थे। अब एक उसमें बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, आपने नाम सुना हो, तो जी उसके अंदर भी वो यानी सिखाता है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेने के लिए कैसे यूज कर सकते बिल्कुल हैं। ठीक है, यानी आप क्या करें कि आप आउट ऑफ द वे अपने इंप्लाई को मोटिवेट करें, उसको पर्क्स दें, उसको एडवांटेजेस बताएं, आपने देने हैं या नहीं देने एक अलग चीज है, लेकिन उसको इतना मोटिवेट करें कि उसको आपकी कंपनी के अलावा कोई चीज नजर ना आए। ठीक है, वो घर भूल जाए, वो दोस्त भूल जाए, वो लोग भूल जाए, और वो इतना कमिटेड हो कि वो सिर्फ आपकी कंपनी को उठते बैठते सोते जागते उसके जहन में आपकी कंपनी चले। तो दिस इज हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस वर्क। ठीक है, आप घर में रखते हैं ना, एक मुलाजिम रखते हैं, कुक रखते हैं, तो आप यही चाहते हैं उससे कि ये पीछे तो सोचे ही ना, तो ये सोचे कि इसने हमें बेस्ट कैसे सर्व करना है। सही तो कंपनियां भी अपने एम्प्लॉय से यही करती हैं कि जी इनसे मैक्सिमम निकालो, और मैक्सिमम निकालने के लिए पूरी वो इमोशनल गेम की जाती है। तो ठीक है, सही है अब इस आयत के हवाले से ना, अब इस आयत के हवाले से मैं ये सोच रहा था कि अगर मुझे जिंदगी में किसी ने
अगर मेरे साथ कोई मिसकंसेप्शन की है, ठीक है, मेरे साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश की है या बददियानती की है, तो उसके पीछे सिर्फ एक रीजन थी, तारीफ। ठीक है, यानी मेरे लिए कमिटेड टाइम क्या है कि मैं 9 to 5 काम करूं, लेकिन अगर मैं 9 बजे तक भी काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे एक तारीफ का फैक्टर है। जी जी ठीक है, मियां साहब आप तो सबसे जहीन है और बस मियां साहब लगे हुए हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही है। यानी आप तारीफ करते जाएं और अपने इम्प्लाई से, यानी अगर आपको मार्केट में डबल सैलरी भी मिलती है, लेकिन तारीफ अगर आपको डबल आपकी कंपनी देती है, तो आप डबल सैलरी की तरफ नहीं जाएंगे, डबल तारीफ की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं ये नहीं कहता कि तारीफ करनी नहीं चाहिए, या जो है आप तारीफ किसी की करें ना, या आप अपनी ख्वाहिश होती है कि आप अपनी तारीफ करवाएं ना, तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन सही है कि मना नीड क्यों है है? कि जब मना आप किसी को एडमायर करते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती ये है, नहीं करनी आपने, ठीक है, ये नहीं करवानी आपने, तारीफ के महसूस कर दिया कि जी अल्लाह की जात है, उसके पास आ रहे हैं लोग, ठीक है ना, तो उसकी रीजन ये है कि जब आप तारीफ करते हैं तो फिर एक हैप जो आप क्रिएट करते हैं उसके लिए, तो आप फिर ऑन ग्राउंड फैक्ट्स पे नहीं होते। ऐसे ही। यानी आपने उसको कहा, मेरे साथ मेरी जो कंपनी थी उसने कहा जी वकार साहब आप काम करें हमारे साथ, 2 साल आपकी पीएचडी का सारा खर्चा हम उठाएंगे। से क्या बात। तो ठीक यानी कि एक आइडिया आप अब लेके आए उसके बाद और मेरे अकेले बंदे जहन में चले कोई और जाते चीज हैं। रह जाएगी तो यही से मेरे साथ अपने कोई कंपनी की, लेकिन उस कंपनी ने मुझे कोई नहीं कराया, उसने उसने तो मुझे डिप्लोमा भी नहीं करवाया पीएचडी का करवाने, ठीक है, लेकिन मुझसे तो मेरा बेस्ट ले लिया ना। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप इस्लाम आप देखें, अब ये है कि अब अगर मुझे कोई देखें, मैं भी गलत एक्सपेक्ट कर रहा था, कंपनी गलत नहीं थी, बात ये है कि मैं कंपनी को जितना सर्व कर रहा हूं मुझे उसका उतना मिलना चाहिए, उससे इजाफी का मैं हकदार नहीं हूं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सपोज मेरे साथ कंपनी की एक कमिटेड पैकेज है कि ये सैलरी उसने मुझे दे दी, ठीक है, तो मैं उससे ये एक्सपेक्ट ना करूं कि कंपनी मुझे गाड़ी दे दे, कंपनी मुझे घर दे दे, ठीक है, जो मैं सर्व कर रहा हूँ, जो मेरा हक बनता है वो मुझे मिलना चाहिए। सही। यही से आज मैंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला सुना कि किसी बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर का, कि उसमें उन्होंने बताया कि हम कहते हैं ना स्किल पे हम बात करते हैं कि आजकल स्किल सिखानी चाहिए, तो वो कहते हैं स्किल से पहले आप वफादार बनो, जब आप वफादार बनोगे तो आपका मालिक आपको जरूर उसका पे बैक करेगा ना। तो ये वैल्यूज ना, यही वैल्यूज ये मुझे इंग्लिश बुक से नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं मिली, और जब मैंने ये पहली दफा कुरान को पढ़ा तो उसने तो घुमा के रख दिया ना कि भाई, यानी जिस वक्त वो मैं आपको बता रहा था ना कि मैं 45 मिनट इस आयत से बाहर नहीं निकल सका, तो मेरे जहन में जो सीन ये था कि मैं इंग्लिश बुक्स की एक लाइब्रेरी है मेरी, और उन्होंने अंधेरा किया हुआ है चारों तरफ से, एक ऐसी लाइब्रेरी में बैठा हूँ जहाँ पे किताबों ने अंधेरे किए हुए हैं और रोशनी मुझे कुरान से नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मुझे ऐसा लगा कि ये सारा नॉलेज मैंने ये जाय की है, ये अब मैं आया हूँ सही लर्निंग की तरफ। तो जब आप कुरान को पढ़ते हैं तो आप अपना जायज हक लेते हैं और आप एक ड्रीम में नहीं रहते, एक फैंटसी में नहीं रहते कि जी ठीक है जी कल को बहुत कुछ मिलेगा, आज क्या मिल रहा है आपको, बल्कि कुरान के अंदर ये आयत है कि जिसने अपना कल देखना है वो अपना आज देख ले। ऐसे तो अगर आप अपने आज को बेहतर नहीं बना पा रहे हैं तो इट्स मीन कि कोई ब्लफ गेम कर रहे हैं आपके साथ, ऐसे। ठीक है। अच्छा, अब ये बिगनिंग थी, यानी अब मैं आ गया पहली दफा इस्लामिक नॉलेज की तरफ ना, इंग्लिश यानी इंग्लिश लैंग्वेजेस के लोगों का थोड़ा सा एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है कुरान को पढ़ने के बाद, सारे नहीं होते, लेकिन मैं एक अच्छा यानी अगर मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश राइटर्स को तो पढ़ता था लेकिन इस्लामिक बुक्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, हालांकि मेरी एज के स्कूल स्टूडेंट उस एज के अंदर कुरान भी पढ़ते हैं, हदीस की किताबें भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरे मेरे स्टाइल में नहीं था, अच्छा ठीक है, लेकिन जब वो मेरे क्वेश्चन एक पॉइंट पर, अगर मैं शायद इतनी इंटेंसिटी क्रिएट ना होती अगर मैंने वो बुक्स ना पढ़ी होती, मैं एक कंपेरेटिव पोजीशन पे आ गया ना कि उसमें मुझे क्या मिला और ये मुझे क्या दे रही है, तो जिन किताबों का वजन मेरे नजदीक बहुत कीमती बुक्स जिनको मैं समझता था, उन बुक्स को आज 20 साल हो गए मैंने मुड़ के नहीं देखा। अच्छा तो सर जो मेरे लिए मेरे लिए इंग्लिश बुक्स में एक्साइटमेंट नहीं रही, मेरी सारी एक्साइटमेंट आ गई इसके अंदर। अब उसके बाद ये हुआ कि कभी मैंने किसी इंग्लिश राइटर का हवाला नहीं किया,
अब जब बात होती है, अब जब भी कहीं मेरी डिस्कशन में आप देखेंगे, कहीं पे भी मैं आप होता हूँ, हमेशा कुरान पाक का हवाला देते हैं, यानी कि उसके ऑथर का हवाला आयत को देता हूँ, क्योंकि मेरे जहन में वही चीजें चल रही हैं, वही जो सीख है वो चल रहा है, लेकिन उससे पहले ये नहीं चल रहा था। तो उसके बाद फिर देखें, एक दो चीजों ने मेरा सोचने का नजरिया बदल दिया, ठीक है। और उसके बाद कंपनियों में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि मैं कंपनियों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कुछ भी, यानी मैं ये सोच के कि जी कंपनी इतना पैकेज देती है, यानी तारीफ करेगी तो बहुत मेहनत करूंगा, तारीफ नहीं करेगी तो मेहनत नहीं करूंगा, ऐसा नहीं था, ठीक है। यानी मैंने मेहनत करनी है, कोई तारीफ करे कोई तारीफ ना करे, कोई पूछे कोई ना पूछे, मैं मेहनत करता था अपने लिए, तारीफ हासिल करने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए। तो मेरी जो लर्निंग कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। बात वही होती है, तारीफ हर कोई चाह रहा होता है, लेकिन असल तारीफ वो जो ऊपर बैठा है जब वो करता है ना, जब आप उसके लिए काबिल तारीफ बन जाते हैं, जब हम ये सोचते हैं, आपकी कमिटमेंट ही बदल जाती है ना अपने काम के साथ, आपकी कमिटमेंट ही बदल जाती है, ऐसे ठीक है। अब तो उसके बाद क्या हुआ कि यानी अब मैं आ गया जी जिंदगी से इसी तरह के, क्योंकि फिर जब आप पढ़ लेते हैं ना, तो मुझे अब मैं गोरों वाली डिस्कशन में मेरा बैठना कम हो गया ना, ठीक है। मैं उन लोगों में ज्यादा कंफर्टेबल था जो बिजनेस लाइन के थे, लेकिन बैठ के तो इस्लामिक बातें करते, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि मेरा उतना फोकस नहीं होता था जब इस्लामिक डिस्कशन होती थी, तो अब सारी चीज हो गया, अब उसको लीड करने वाला ही मैं होता था, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक टेस्ट एस्टेब्लिश हो गया कि अब आपने इन चीजों को पढ़ना है, इन चीजों को सीखना है, इनको लेके चलना है। तो अब उसमें से ये है कि कुछ चीजें ना मुझे फिर मुख्तलिफ हवालों से मिलना शुरू हुई, यानी एक तरफ से कैरियर चल रहा था, दूसरी तरफ से ये लर्निंग चल रही थी। तो वो एक्सपीरियंसेस मैंने अपने भी डॉक्यूमेंट कर चुका था, दूसरों का भी डॉक्यूमेंट कर चुका था, उसके बाद मैंने फिर आर्टिकल अपने लिखने शुरू किए। तो अपने आर्टिकल जो है वो, यानी नॉलेज तो आपके पास होता है, स्पोर्ट्स किसी भी फील्ड पे आप काम कर रहे हैं, जैसे ग्वादर के वाले से हम कर रहे थे, नॉलेज था लेकिन उसको किताबी शक्ल में मैंने लेके आया, दूसरों की चीजों को तो लेके आया, लेकिन फिर मैंने कहा जी अब अपनी चीजों को करते हैं। शुरू के जो मैंने मजा, ये बेस्ट लाइफ नोट्स अभी किसी और लैंग्वेज पे भी ट्रांसलेट होने जा रही है या अभी? मैं बताता हूँ इसको, यानी अब पहला फेज कंप्लीट हो गया था, फिर सेकंड में मेरे अपने लिखे हुए मजमून थे, अब मेरे जो यानी पॉलिटिकल हो गए या ग्वादर के हवाले से हो गए या करंट अफेयर के हवाले से हो गए या कॉर्पोरेट स्टोरीज के हवाले से हो गए, तो ये चीजें जब आपका एक शौक डिवेल्प हो जाता है ना कि इस टॉपिक पे आपने लिखना है, तो फिर आप सीरियस हो जाते हैं अपना डिस्कशन से। तो मेरी इंटरेक्शन रही बहुत सारे लोगों से, तो यानी नए नए आइडियाज मिलते रहे, रोज कोई नई चीज मिल गई, तो दो दो तीन दिन आर्टिकल्स बाहर, दूसरे तीसरे दिन मेरा ये रूटीन बन गया। तो पहला जो मैंने कंपाइल करना शुरू किया तकरीबन वो 2 साल लगे, और उसके बाद जो अपने मजमून मैंने लिखना शुरू किया तो वो भी तकरीबन 2 से 2.5 साल लगे। तो ये तकरीबन जो है 300 के करीब मेरे कंपाइल्ड मजामीन है और 300 के करीब जो है वो मेरे अपने रिटर्न मजामीन है, और मुख्तलिफ यानी वैरायटी ऑफ नॉलेज ना, उसमें तारुफी भी है, उसमें एजाजी भी है, उसमें इस्लामी भी मजामीन है, उसमें मजहबी भी हैं, और उसके बाद समाजी हैं और तजारती हैं, मौशी हैं, इल्मी तरबियती, यानी जिस तरह के प्लेटफॉर्म पे जिस तरह के इश्यूज आते थे, फिर अदबी है, लिसानी है, फिर जो है वो मुल्की और गैर मुल्की हालात वगैरह उनके ऊपर हैं, तो यानी फिर सकाफत से रिलेटेड है, फिर इमोशन से रिलेटेड है, मुझे ये सारी चीजें मिली कंपाइल करने की वजह से। अगर मैंने कंपाइल ना किया होता तो मुझे वैरायटी ऑफ नॉलेज ना मिलता, तो मुझे वैरायटीज वहां से मिली, तो फिर उन वैरायटीज के ऊपर मैंने लिखना शुरू किया। अब जब मैंने थोड़े से मजामीन लिखे थे तो उन मजामीन पे फिर मुझे इनकरेजमेंट इतनी ज्यादा मिली, यानी वो मजामीन मैंने भेजे अपने क्लोज सर्कल के अंदर जिन्होंने मेरे लिए कंपाइल किए थे, उन्हीं लोगों को, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था पढ़ने लिखने का, तो उनको जब मजामीन शेयर हुए तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ये जो है ना काम आपका कल को बहुत अच्छा काम बनेगा, आप इसको जारी रखें। तो मेरे सर्कल के लोगों ने इस काम को स्लो नहीं होने दिया, ठीक है। तो अगर उनकी इस काम में दिलचस्पी ना होती तो शायद मैं उसको लेके ना चलता, लेकिन उनका इसमें इंटरेस्ट चलता गया। तो ये फिर इसका भी मेरा टारगेट यही था कि सारी जो है ना एनर्जी एक ही काम के लिए वक्फ नहीं करनी, जैसे ही ये 1000 पेजेस की वो पूरी होगी, मतलब एनर्जी को आप चैनलाइज करना चाह रहे थे जो डिफरेंट। उसमें ना मेरा एक और उसमें मेरी अपनी सोच ये है,
यानी राइटर्स के साथ भी उठना बैठना है, तो मैं कहता हूँ कि यार आप लोग लिखते 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 आप फौत हो जाते हैं। तो बात यह है कि आपने अपनी लिखी हुई अपनी काविश अपनी तख्लीक को अपनी जिंदगी में इंजॉय कितना किया है। बिल्कुल सही बात। यानी अगर मैं बेस्ट लाइफ कोर्स को क्लोज ही ना करूं, उसको मार्केट ना करूं, उसको प्रमोट ना करूं और लिखता ही चला जाऊं तो वो लोगों तक तो नहीं पहुंचेगा। लोगों तक एग्जैक्टली लोगों तक पहुंचाना जो है वो एक इंटायरली डिफरेंट स्किल है। तो सर ये क्या वजह है कि लोग ज्यादातर टेक्स्ट को जो है वो पढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि आजकल एक जिंदगी भी बहुत ज्यादा बिजी हो चुकी है। और मुझे ये देख के बड़ा दुख होता है कि एक ऐसी जगह है कि वहां पे साथ ही जो है वो एक कपड़ों की जो है बड़ी अच्छी एक शॉप बनी हुई है और साथ साइड पे जो है बाहर जो है किताबें जो है फट्टे के ऊपर लगी हुई है। तो मुझे देख के ये बड़ा दुख होता है कि कपड़े जो है वो एक शीशे की दुकान में मौजूद है, जो किताबें हैं जो इल्म है वो बाहर पड़ा हुआ है। तो ये क्या वजह है कि लोग आज किताबों से टेक्स से जो है वो दूर हो रहे हैं? देखें ये तो आप बुक की कीमत तो आप उन लोगों से पूछें ना जिन्होंने इंटरनेशनल जो जो लाइब्रेरीज हैं उनकी मेंबरशिप ली हुई है और मंथली लाखों रुपए उसकी मेंबरशिप के पे करते हैं। जी बिल्कुल जो जो लोग रिसर्च पे हैं, आप जैसे ऑर्नकोलॉजिस्ट हैं या जो यानी अपनी किसी भी फील्ड में जो इंजीनियर्स हैं वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं बुक्स के अंदर, लेकिन वो रियल बुक्स में खर्च करते हैं जो जिनका उनको डायरेक्टली बेनिफिट होता है। ठीक है, अब सपोज एक तरफ तो मैंने इंग्लिश की एक खास किस्म की बुक्स को पढ़ना छोड़ा, लेकिन टेक्निकल अगर बुक्स को पढ़ना छोड़ा होता तो मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में सर्वाइव नहीं कर सकता। यानी कि सर एक किताब का बेहतरीन इंतखाब बहुत जरूरी है, आप ऐसी किताबों को बस पढ़ते ना चाहिए। अब वो फ्रेंचाइज डॉक्यूमेंट हमें मिलते हैं, उसकी पूरी गाइड मिलती है। ठीक है, फिर उसका अगला वर्जन आता है, उसका अगला मॉडल आता है, तो उसकी नई गाइड आती है। तो टेक्निकल अगर किसी भी फील्ड के अंदर है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप अपने आप को अपग्रेड किए बगैर उसमें सर्वाइव कर सकते। ठीक है, जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, तो ये इनकी एक एक्सपायरी डेट होती है कि ये नॉलेज 3-4 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है। अगर उस फील्ड के अंदर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, जैसे डिजाइन आप देखें ये टूल्स ही नहीं थे 5 साल पहले डिजाइन के, अब हम जैसे जूम पे बैठ के कर रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी 5 साल पहले नहीं थी इस तरह से। तो वक्त अगर आप कहेंगे जी मैंने अब जो नई चीज है उसको सीखना ही नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब आप बात कर रहे थे कि जी जो है वो पढ़ने का शौक नहीं है। देखिए, पढ़ने का एक्सपायर्ड नॉलेज को पढ़ने का शौक नहीं है। सही, अगर आप अच्छा लिखेंगे ना, आप कहते हैं जी मैंने बुक लिखी और वो बुक को लोग खरीद नहीं रहे, तो बात यह है कि आपका कॉन्टेंट जितना भी अच्छा हो, ठीक है, जैसे अभी मैंने बेस्ट लाइफ नोट्स लिख दी, अगर मैं लोगों तक भेजूंगा नहीं, उसकी यानी वेबसाइट नहीं बनाऊंगा, उसका चैनल नहीं बनाऊंगा, उसको सोशल मीडिया पे नहीं दूंगा, अपने सर्कल में नहीं दूंगा, तो कभी भी कोई भी उसको जान नहीं पाएगा चाहे उसका कंटेंट अच्छा है या बुरा है। ठीक है, यहाँ पे किताबों के कंटेंट बहुत अच्छे नहीं होते लेकिन वो एज ए प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग होती है। ठीक है सर, बहुत अच्छा। जी जी सर, थोड़ा वक्त की कमी की वजह से जो है ये एक बहुत अच्छा एक नॉलेज जो है वो लोगों के साथ शेयर हो रहा था, बस वक्त की क्लोज करते हैं तकरीबन हमारी को पिछली सारी स्टोरी एक एंड का जो इसका सेशन है, अब बस हम उसी की तरफ आते हैं कि जिस तरह इसका ना यानी किताबी शक्ल में तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है और मुख्तलिफ दूसरी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है और सोशल मीडिया पे हम आगे इसकी वीडियो के अंदर, इसकी ऑडियो के अंदर या डिफरेंट चैनल्स के अंदर इसको प्रोसेस करवाने में इसमें आगे। और तीसरी जो चीज़ है कुछ जैसे मैंने ये लिखे और इसमें इंटरेस्ट शो किया लोगों ने, तो वो अब इसको चाहते हैं कि इनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में आए। ओके, यानी अगर मुल्तान में कोई इसको पढ़ रहा है तो वो मुल्तान टुडे के नाम से भी साइट है, कुछ और भी दोस्त हैं, तो वो कहते हैं कि जी इसके इनके चंद मजामीन जो हमारी दिलचस्पी, क्योंकि इसमें कुछ कल्चरल भी है, यानी जो हमारी साउथ पंजाब, मैं कुछ साउथ पंजाब से हूँ, तो जो हमारे सराइकी कल्चर की कुछ खूबसूरत चीजें हैं, पर वो भी मैंने कुछ इसके अंदर लिखी हुई हैं अपने लोकल को मकामात के हवाले से, अपनी हिस्ट्री के हवाले से। इसी तरह मेरा ग्वादर में जाना हुआ तो मैंने ग्वादर के हवाले से भी कुछ लिखा, उनके कुछ लोगों के जो जिस तरह उन्होंने हमें वेलकम किया, तो कुछ इस तरह के भी, यानी लाइफ यही है ना कि जहाँ आप गए हैं उस तरह के आप एक्सपीरियंसेस लिखते हैं,
अब अगर मैंने सऊदी अरब में जाके अरबियों पे लिखा है, तो यानी वो चाहते हैं कि ये उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जिसके बारे में बात हुई। तो वो ये कहते हैं कि जी अगर हमारे हमारे शहर की बात हुई है तो फिर हमारी जबान में होनी चाहिए। जी सर, लोगों के तो लिए बहुत ज्यादा जी। इसकी एक रीजन तो ये है कि जो है ना, वकारे पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, तो वकारे पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म का बनाने का बुनियादी जो पर्पस था वो यही था कि लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करें, अपने सर्कल के लोगों की लोकल जो लैंग्वेजेस हैं उसको हम इनकरेज करें और प्रमोट करें। तो एक यानी सर्कल हमारा इस तरह से मल्टीलिंगुअल यानी मुख्तलिफ जबानें बोलने वालों का और जो मुख्तलिफ लुगत को समझते हैं, इस तरह के लोगों के साथ हमारी एक बहुत बड़ी नहीं छोटी सी नेटवर्किंग जरूर हुई होती है। यानी हमें दो चार बलोची भी मिल जाते हैं, दो चार सिंधी भी मिल जाते हैं, दो चार पश्तो भी मिल जाते हैं, दो चार सराइकी भी मिल जाते हैं, अभी जी कुछ इंग्लिश भी मिल गए हैं, तो वो भी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में भी इंटरेस्टेड है। तो ठीक है इसलिए कि हमारा एक सर्कल बना हुआ था उसके ऊपर ये बुक लॉन्च हो गई। अब जब ये उनके पास गई है और इसके ऊपर एफर्ट्स उनको नजर आ रही हैं, तो वो कहते हैं कि जी हम हमारे अगर स्टूडेंट्स हैं तो हम स्टूडेंट्स के लिए अलग कर लेते हैं, और हमारा अगर पॉलिटिकल सेक्टर है तो हम उसके लिए अलग कर लेते हैं, हम अगर कॉर्पोरेट है तो हम कॉर्पोरेट के अलग कर लेते हैं, और इसी तरह अगर उनका साइकोलॉजिकल है तो वो साइकोलॉजिकल अलग कर लेते हैं। तो लोग अपने अपने इंटरेस्ट के हवाले से, अपनी लैंग्वेज के तो माहिर है ना, वो ऑलरेडी सराइकी में लिखते हैं या पंजाबी में लिखते हैं, तो उनके लिए ये बड़ी काम नहीं, बड़ा काम नहीं, उनको कॉन्टेंट चाहिए। तो कॉन्टेंट उनको प्रोवाइड कर दिया है, ट्रांसलेटर उनके पास अपने बैठे हुए हैं, अपनी जबान को ट्रांसलेट करना तो मसला नहीं है। तब वो इनकरेज कर रहे हैं कि जी हम अपने अपने एरिया में इसको ट्रांसलेट करके तो इसके सेक्शन पढ़े तो चले। तो ग्रेट ये पिक्चर है इसका, अब इस तरफ चीजें चल रही हैं। और अच्छा, बेस्ट लाइफ नोट्स अभी जो है वो एक अब अपडेट हो रहा है और बस इस तरह से इसको ये डिफरेंट लाइक देखिए। दूसरा ये मैं अब इसको अल्टीमेट बुक नहीं समझता, मैंने अपनी एक एफर्ट दी है, और इस एफर्ट को देने का पर्पज नहीं है कि इसको अल्टीमेट बुक समझ लें। इसको इसका जो मैसेज है वो ये है कि आप लिखें, मेरे एक्सपीरियंसेस इंटायरली डिफरेंट हो सकते हैं, आप टू मार्क नहीं हो सकते। ठीक है, अब मैं अगर लाहौर में रहा हूँ, मैं अगर मुल्तान में रहा हूँ, तो मेरे यहाँ के एक्सपीरियंसेस तो हो सकते हैं, लेकिन मेरे पिशावर के एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा नहीं है बिल्कुल या कश्मीर के बहुत ज्यादा नहीं है। तो जो लोग वहां पे रह रहे हैं, जिन लोगों का अपना शहर है, तो उनको अपने सर्कल, अपनी कम्युनिटी, अपनी रूट्स, उनके बारे में लिखना चाहिए, अपनी जबान में लिखना चाहिए, अपने लोगों के लिए लिखना चाहिए। सही और जब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो आप प्रिजर्व नहीं कर सकते अपना नॉलेज, आप बहुत ज्यादा सर, लोगों तक पहुंचा नहीं क्योंकि सकते। सर जितनी भी आप उसकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, आपको हर चीज मिलेगी तो रिटर्न फॉर्म है ना। अगर आप वेबसाइट पे भी लिखेंगे तो वहां पे भी आपको रिटर्न ही, जब तक आप एक लैंग्वेज के जरिए लोगों को कुछ बता नहीं रहे हैं, ये कुछ लिख के कुछ कुछ बता नहीं रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। हम लोग ना कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बेसिकली हम कंपनियों को कहते थे कि अपने आप को वेल डॉक्यूमेंट करें। ठीक है, मेरी कंसल्टेंसी फॉर्म में मेरी जॉब ही यही होती थी कि मैं उनको कहता था कि अपना कंटेंट रिवाइज करें, क्योंकि उसको रिवाइज करने से मुझे पैसे मिलते थे, तो मैं तो फॉर पर्पज करवा रहा था उनसे। ठीक है, और मेरे पास रीजन ये थी कि अगर आप किसी अमेरिकन कंपनी को लेते हैं, किसी ब्रिटिश कंपनी को लेते हैं, तो आपको बड़ी वेल डॉक्यूमेंटेड मिलेगी, डिटेल्ड। तो रीजन होता है कि उन्होंने उस कंपनी को 200 साल के लिए चलाना होता है, तो उस सही पर इतनी एफर्ट करते हैं, वो बहुत लंबा अरसा वो चलती है, और फिर वो उस स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो 50-50 मुल्कों में, 100-100 मुल्कों में वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। रीजन ये होती है कि उन्होंने बहुत उसके प्रोसीजर्स को इतनी डिटेल से लिखा होता है कि उनको आगे कहीं पे जाके प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट नहीं करते, तो हर नया आने वाला उसको अपने अंदाज से डॉक्यूमेंट कर जाता है। सर, ये हमारा बेस्ट लाइफ कभी जी, सी बेस्ट लाइफ तो नोट ये किताब अगर जी, अब मैं आपको एग्जांपल जो दे रहा था कि कॉर्पोरेट सेक्टर में हम कंपनियों को डॉक्यूमेंट करते हैं, इसी तरह से हम प्रोफेशन में, यानी अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, तो आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी आप एक इंस्टीट्यूशन है पूरे। ठीक है, अब होता क्या है कि अब जैसे मैंने रेफरेंस दिया था कि पीटर एफ ड्रकर, अब उस बंदे के ऊपर पीएचडी होती है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम पे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, तो इन्होंने क्या किया है, इनसे ज्यादा नॉलेज वाले लोग भी पढ़े, लेकिन इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको पढ़ा जा रहा है और बाकियों को नहीं पढ़ा जा रहा। उसकी रीजन ये है कि इन्होंने अपने आप को वेल डॉक्यूमेंट किया है, अपने ऊपर किताबें लिखी हैं, लिखवाई हैं, एफर्ट्स की हैं, यूनिवर्सिटियों में सबमिट की हैं। ठीक है, तो अपनी एक वेटेज क्रिएट की है और उसके अगेंस्ट उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं, वो जाके वहां पे पीएचडी करके आते हैं। ठीक है, 4 सालों में, 8 सालों में पीएचडी हो जाती है,
एक बंदे की 30 साल की जिंदगी गुजरी है किसी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में, उसका नॉलेज ज्यादा है या एक पीएचडी वाले का नॉलेज ज्यादा है? तो हम अपने जो मार्वल्स हैं, हम अपने जो शानदार लोग हैं, ठीक है, हम उनको डॉक्यूमेंट करके और उनके ऊपर इस स्केल का काम क्यों नहीं करवाते? अब देखें, एक बंदे का अमेरिका में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उसकी सारी फिलॉसफी पाकिस्तान में फिट नहीं होती। ऐसे ऐसे उसे ये बेस्ट फ्लाइट नोट्स बुक अगर कोई पढ़ना चाहे, जी जी, अगर बेस्ट फ्लाइट नोट्स अगर कोई बुक पढ़ना चाहे, जैसे कि अभी नाज़रीन जो है वो देख रहे हैं, तो ये किताब कहाँ पर पीडीएफ की फाइल में अवेलेबल होगी कहीं पे, या इसको कहाँ से खरीदा जा सकता है, या कुछ ऐसा सोर्स बता दें? हमारी मेन साइट है इसके लिए तो adabsarai.com भी है, ये दो हमारे कंबाइंड प्लेटफॉर्म्स हैं, adabsarai.com पे भी अवेलेबल है और wakar.com पे भी अवेलेबल है। इन्हें हमारे दो लिटरेरी फोरम हैं, एक adabsarai इंटरनेशनल के नाम से डॉक्टर शहनाज मुजम्मिल उसको लीड करती हैं, और एक जो है हमारा वकार पाकिस्तान पे, तो wakar.com, तो ये इन दोनों पे अवेलेबल है। इसके अलावा भी कोई 20-25 साइट्स जो हमारे सर्कल की कम्युनिटी साइट्स हैं जिनका सोशल काम है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उन पे भी ये है। लेकिन जो मेन कोर्स फॉर्म में आप कहीं से भी डाउनलोड इसको करके पढ़ सकते हैं, ये वेबसाइट पे ऑनलाइन इसको पढ़ सकते हैं इजीली। ओके सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो इस शो के लिए निकाला, और बेस्ट लाइफ नोट्स के बारे में मैं जो भी इंफॉर्मेशन अपने ऑडियंस तक पहुंचाना चाहती थी वो तकरीबन जो है वो पहुंच चुकी है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम मजीद भी जो है वो बेस्ट लाइफ नोट्स के बारे में जो है वो अपने ऑडियंस को जो है वो पहुंचाते रहें, जो भी इसके अंदर जो अपडेट आए। तो सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जी नासरीन, तो आई होप कि आपको जो है वो आज कुछ काफी पसंद आया होगा। मजीद इसी तरह की एक अच्छी किताबों पे कुछ रिव्यूज के लिए जो है आप मेरे इस चैनल को जो है वो विजिट करते रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।